नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ कालू सिंह गुजर और एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि इंडियन से है। कल परसों भी हमने इंडियन से एक नया आइटम डाला था जो कि पनीर बटर मसाला, बहुत पॉपुलर था और काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट्स किया है, कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमेंट्स किया है। तो उसी के साथ साथ और एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बोला है कि पनीर लाभदार, हाउ टू मेक पनीर लाभदार। तो पनीर लाभदार नॉर्थ इंडियन से ही है, इंडियन का मेन कोर्स से जाता है। पनीर लाभदार भी बहुत पॉपुलर डिश है जिसको हम इजी वे में कैसे बनाएंगे। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारे टाइम बार आपने बनाया, जैसे आपको बनाना होता है नहीं बन पाता है तो आप काफ़ी बार वीडियोस देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैं और एक पनीर लाभदार का वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसी चैनल पर आपको सारे वीडियो और भी मिलेंगे पनीर के, काफ़ी सारे वीडियो मैंने डाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि टमाटो ग्रेवी कैसे बनाना है, वाइट ग्रेवी कैसे बनाना है। देन इस वीडियो में जो हमारा डिफरेंट है, पनीर लाभदार है। तो पनीर लाभदार जो है हमारा, यानी कि हमारा जो बेस है लाभदार का, ऑनियन टमाटो बेस है इसका। तो ऑनियन टमाटो बेस के लिए हम जो चौ मसाला बनाते हैं, यानी कि जिसको मास्टर ग्रेवी बोलेंगे इंडियन का, जो चौ मसाला है ऑनियन टमाटो बेस पे है, इक्वल क्वांटिटी में हम, यानी कि ऑनियन और टमाटो बेस पे हम चौ मसाला बना सकते हैं। आपको ऑनियन चौ मसाला के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑनियन ब्राउन करना है, यानी कि फाइन चॉप ऑनियन काट के ऑनियन ब्राउन करना है। ब्राउन करने के साथ साथ देन आपको थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। पेस्ट डालने के बाद देन आपको क्या करना है, टमाटर जो आपके पास रहेगा, यानी कि जितना क्वांटिटी में हमारा प्याज है उसका 20% हमने टमाटर डालना है। तो ये सारा डालने के बाद देन आपको क्या करना है, उसमें मिर्ची पाउडर डालना है, यानी कि देन थोड़ा सा देगी मिर्ची कलर कॉम्बिनेशन के लिए, थोड़ा सा नमक डाल देना है और हल्का सा हल्दी टच करना है। तो नमक आपको रोक के रखना है, यानी कि नमक आप बाद में भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपका जैसा नमक आपको यूज करना है पोर्शन के अकॉर्डिंग चौ मसाला यूज करना है। तो ये आपका चौ मसाला हो गया। देन व्हाइट ग्रेवी, टमाटो ग्रेवी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है बेसिक, थोड़ा सा और इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। टमाटो ग्रेवी का भी सेम कंडीशन है, यानी कि 80% टमाटर में हमारा थोड़ा सा काजू, थोड़ा मगज हमने यूज करना होता है। 80% मगज, 20% काजू उस ग्रेवी में यूज करते हैं हम। देन उसको बॉईल करके हमने देन ग्राइंड में मार के, तड़का मार के हम टमाटर ग्रेवी तैयार कर लेंगे। देन व्हाइट ग्रेवी का भी ऐसा ही है जो मैंने आपको पिछली बार बताया, यानी कि 70% मगज में 30% काजू के साथ हमने उसको बॉईल करना है। वेल्डन बॉईल करने के बाद देन हमने उसको मिक्सी में पीस लेना है। अगर कम बनाना है और बड़े में बनाना है तो आप बड़े मिक्सी जार में पीस सकते हो, ग्राइंडर में पीस सकते हो, पंपलाइजर में पीस सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्रेवी का प्रिपरेशन इस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो अब चलो हम आते हैं कि पनीर लाभदार कैसे बनाना है, हमने पनीर लाभदार के क्या क्या प्रिपरेशन करना है। तो वो सारे इसी चीज़ में, इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको। इजी वे में, होममेड तरीके से, रेस्टोरेंट स्टाइल में आप पनीर लाभदार बना के खा सकते हैं। देन कमेंट भी करोगे इसके साथ साथ, लेकिन पहले आपको वीडियो बनाना देखना है कैसे बनाना है आप। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट शो कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा पनीर लाभदार का, यानी कि जो हमारा चौ मसाला है जिसको मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ऑनियन टमाटो बेस पे जो है हमारा पनीर लाभदार, ये हो गया। देन ये हमारा टमाटो ग्रेवी हो गया, ये हमारा वाइट ग्रेवी हो गया। देन हम पनीर लाभदार बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये पनीर हो गया, हमने इस तरीके से यानी कि क्यूब साइज में हमने पनीर काट लिया। पनीर काटने के बाद देन हमने क्या करना है, सबसे पहले पैन लेंगे, पैन लेने के बाद ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद देन आप थोड़ा सा जीरा टच कर सकते हो, अगर आपने चौ मसाला में जीरा टच कर रखे तो आप सबसे पहले तेल डालने के बाद, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया। देन ये आप ये वाला गार्लिक भी थोड़ा सा फाइन चॉप यूज कर सकते हैं। ये करने के बाद देन ये हमारा ग्रीन चिल्ली हो गया, ग्रीन चिल्ली के बाद देन थोड़ा एक कैप्सिकम हो गया, यानी कि कैप्सिकम मीन्स की शिमला मिर्ची, यानी कि हरा शिमला मिर्ची। तो ये यूज करोगे, ये यूज करने के बाद देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देन चौ मसाला डालोगे, देन उसके बाद वाइट ग्रेवी डालोगे, देन टमाटो ग्रेवी डालोगे। तो उसके बाद ये सारा डालने के बाद देन आपको क्या करना है, स्पाइस पे आना है। स्पाइस में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, ये वाइट सॉल्ट हो गया हमारा, देन ये हमारा मिर्ची पाउडर हो गया, देन ये हल्दी पाउडर हो गया, ये क्रीम हो गया, ये घी है हमारा, देन ये किचन किंग है, ये कोरिएंडर पाउडर है, ये धनिया पाउडर जिसको हम बोलेंगे, देन ये देगी मिर्ची है, और ये गरम मसाला पाउडर है। देन ये हमारा कसूरी मेथी, आपको पता ही है कसूरी मेथी इस तरीके से होता है। देन ये फाइन चॉप हमारा कोरिएंडर हो गया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ आप पनीर लाभदार इजी वे में बना सकते हो, जो कि मैंने आपको वीडियो में सारे एक एक चीज़ दिखाया है, इंग्रेडिएंट्स के साथ में शो किया है। तो इस तरीके से आप बनाओगे। देन अब आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयर मीन्स कि हमने पनीर लाभदार कैसे बनाना है।
तो वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बना के दिखाऊंगा। आप एक एक चीज़ को वीडियो चला चला के देख देख के वीडियो को रोक रोक के बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ वीडियो देखना है, देन पनीर लॉबदार का हमने कैसे प्रिपेयर करके, यानी कि सर्व कैसे करेंगे, खाने के लिए हमने कैसे तैयार करना है, तो वो देखना है। इसके बाद पनीर लॉबदार पे हम आते हैं अभी बनाने का। तो जो भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने आपको पहले बताया, देन उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिपेयर कैसे करना है मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमने पैन ले लिया, पैन मीन का जिसको हम फ्राई पैन बोल सकते हैं, या फिर आप छोटे कढ़ाई में भी बना सकते हो, सिल्वर का जो कढ़ाई है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है, लेकिन मीजा इतना ही करना होगा जितना मैंने आपको बताया है। तो ये पैन लिया, देन सबसे पहले हमने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद देन आपको क्या करना है, सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। ये पेस्ट हो गया हमारा, पेस्ट के साथ साथ देन आपको क्या करना है, हमारा जो ये ग्रीन चिल्ली है ये डालेंगे, ग्रीन चिल्ली के साथ साथ देन ये हमारा कैप्सिकम है, फाइन चॉप शिमला मिर्ची जिसको हम ग्रीन कैप्सिकम बोलेंगे, ये ले लेना है। ये लेने के बाद देन आपको क्या करना है, कर लोगे देन उससे पहले, सबसे पहले आप देगी मिर्ची टच करोगे, देगी मिर्ची टच करने के बाद थोड़ा ऐसे मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद देन आपको क्या करना है, कर देना है ऐसे, देन हल्का और सोते करोगे आप, देन सबसे पहले क्या करोगे आप, उसके बाद आपका सबसे पहले ये वाइट ग्रेवी हो गया, देन ये आपका ये चौ मसाला हो गया, और ये टमाटो ग्रेवी हो गया, इसको भी हम हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स करेंगे। अकॉर्डिंग यानी कि हम एक पोर्शन बनाएंगे, पोर्शन के अकॉर्डिंग हमने ये व्हाइट सॉल्ट हो गया हमारा, व्हाइट सॉल्ट के बाद देन ये हमारा मिर्ची पाउडर हो गया, ये हमारा गरम मसाला पाउडर हो गया, देन ये हल्का सा हम हल्दी डाल सकते हैं, यानी कि चौ मसाला में हमने ऑलरेडी हल्दी डाल रखा है, तो हम इसमें हल्दी नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कस्तूरी मेथी हो गया, ये किचन किंग हो गया पाउडर हो गया, ये सब डालने के बाद देन आपको क्या करना है, फिर से एक बार मिक्स करना है। ये करने के बाद देन आपको क्या करना है, ये क्यूब साइज़ का जो पनीर है मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ये पनीर डालना है, इस तरीके से आप ये पनीर डालोगे। पनीर डालने के साथ साथ देन आपको क्या करना है, जो हमारा कुकिंग क्रीम है, ये कुकिंग क्रीम आप 2 से 3 डिनर स्पून कुकिंग क्रीम डालोगे। देन उसके बाद ये सबसे लास्ट में ये हमारा ग्रीन कोरिएंडर हो गया, देन ये आपको पता ही है अगर हमारा थोड़ा सा अगर कोई 19-20 है, यानी कि स्वाद थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, तो लास्ट में आपको एक डिनर स्पून क्या है घी डाल देना है उसमें, ताकि आपका जो स्वाद कलर कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ों का आपका जो घी है लास्ट में काम करता है। तो आपको ऐसे ही इस तरीके से पनीर लॉबदार बनाना है, थिक थोड़ा सा थिक रहेगा, थिन नहीं रहेगा, यानी कि जो मखनी ग्रेवी होती है उस तरीके से नहीं रहेगा, थोड़ा सा थिक रहेगा, थिक मीन्स कि इतना थिक रहेगा। तो ये कैसे आप इसको स्लो फ्लेम पे भी आराम से पका सकते हो, देन थोड़ा तेज फ्लेम पे भी पका सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दोगे, कोरिएंडर के साथ साथ देन आपका ये थोड़ा सा ये फाइन चॉप शिमला मिर्ची भी डाल सकते हो। कोरिएंडर लीव्स हो गया, आप गार्निशिंग में इस तरीके से पनीर का ग्रेट कर सकते हो। और भी इसमें जैसे आपके अदरक जूलियन हो गया, वेल पेपर फाइन जूलियन हो गया, अदरक के लच्छे हो गए, ये सारा गार्निशिंग में आप प्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको बताया है आपका इतना ही पनीर लॉबदार इतना ही थिक रहेगा,
जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया है, इसी तरीके से आपको बनाना है, इसी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, अकॉर्डिंग आपके पोर्शन साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ आपको मैंने फिर से बताया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ अगर डाउट लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट्स करें। कमेंट्स के साथ साथ आप अगर और भी और कोई भी आइटम अगर आपको नॉर्थ इंडियन से पनीर का आइटम कुछ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे हमने डाले हैं वीडियो और भी काफ़ी सारे वीडियो हम डालते रहेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए आप बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, वीडियो डालते ही सारे वीडियोज़ मिलेंगे आपको। देन इन्जॉय करें, देन थैंक यू सो मच।